आप लोगों ने मंत्रों के चमत्कार के विषय में जरूर सुना होगा, किंतु क्या आपने यह कभी जानने का प्रयास किया कि मंत्र वस्तुतः है क्या? मंत्रों का जन्म कहाँ से होता है? मंत्रों का ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ होगा? मंत्रों का उद्गम स्थान क्या है? परम प्रभु परमात्मा को मंत्र शास्त्र में शब्द ब्रह्म की संज्ञा क्यों दी गई है? जब समाधि की गंभीर स्थिति में किसी ऋषि संत की चेतना उस शब्द ब्रह्म में लीन होती है, तब उस शब्द ब्रह्म की कृपा से उस ऋषि को, उस संत को वस्तुतः मंत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्रों को अपौरुष्य कहा जाता है, अर्थात मंत्र की रचना करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। मंत्र साक्षात शक्ति के पुंज होते हैं। साधना के द्वारा धीरे धीरे हम मंत्रों के दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। एक दिन जब हमारा मन मंत्र में जाकर विलीन हो जाता है, तो हम पूर्ण शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने और मंत्र में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे जैसे मंत्र के साथ हमारा तादात्म्यता बढ़ता है, वैसे ही मंत्र अपने नए नए अर्थों का प्रकाशन करने लगता है। मंत्र परम पवित्र पूर्ण शक्तिशाली होता है। यह बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक पुरुष मंत्रों को धन या कौड़ियों के मूल्य ना बेचे। जो मंत्र ज्ञान के अधिकारी नहीं है, उनको मंत्रों का उपदेश भी ना दे। किंतु आज के युग में प्रायः देखा जाता है कि अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए मंत्रों को धन, किसी कार्य इत्यादि के लिए प्रयोग में लाने की बातें कही जाती हैं। हमारी भांति ही वस्तुतः मंत्रों के भी तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर। जब हम मंत्र को शब्दों के रूप में सुनते हैं, वो उनका स्थूल स्वरूप है। जब हम मंत्र को बिना बोले ही अपने मन में सुनते हैं, वो उनका सूक्ष्म रूप है। किंतु जब मंत्र को अपने भीतरी जगत में केवल अनुभव मात्र करते हैं, तो यह मंत्र का सूक्ष्मतर स्वरूप है। जिस तरह संसारिक लोग वस्तुओं का संग्रह करते हैं, उसी प्रकार एक समय में मैं मंत्रों का संग्रह किया करता था। मेरी यह धारणा थी कि हो सकता है कि मंत्रों का खोज करते करते कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए जो मेरे पहले वाले सभी संग्रहित मंत्रों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो। कभी कभी मैं अपने साथ के अन्य विद्यार्थियों से अपनी तुलना किया करता और सोचता कि हो सकता है कि इसका मंत्र मेरे मंत्र से ज्यादा अच्छा हो। मेरी यह इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा मंत्र प्राप्त करूं जिसके माध्यम से मैं तुरंत समाधि को प्राप्त हो जाऊं और अपने साथ अन्य विद्यार्थियों से आगे बढ़ जाऊं। उस समय मैं काफी अबोध हुआ करता था। उन दिनों उत्तरकाशी से थोड़ी दूर एक स्वामी जी रहा करते थे। उन्हें एकांत बहुत प्रिय था। एक बार मैं उनसे मिलने गया। मेरे पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि मेरे वहां आने का क्या कारण है। मैंने स्पष्टतः कहा, मैं आपसे मंत्र लेना चाहता हूं। तब स्वामी जी बोले, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करना मेरे लिए बहुत कठिन था। इस बात को गुरुदेव अच्छी तरह जानते थे और संभवतः इसीलिए शायद उन्होंने मुझे संत के पास भेजा था। मैंने संत से कहा, स्वामी जी मैं जल्दी में हूँ। वे बोले, अच्छा तो फिर अगले साल आना। फिर मैंने पूछा, यदि मैं रुक जाऊं तो कितने दिन तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी? जब तक मैं चाहूं, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। स्वामी जी का उत्तर सुनकर मैं थोड़ा सा विचलित हो गया और मेरा धैर्य भी। मैं 3 दिन तक वहीं पर रुका और प्रतीक्षा करता रहा, किंतु स्वामी जी ने मंत्र नहीं दिया। चौथे दिन वे बोले, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूँ, किंतु वचन दो तुम इसके प्रति क्षण तुम इसका जाप करोगे और इसका स्मरण रखोगे। मैंने मंत्र लेने की जिज्ञासा में तुरंत ही इस बात को स्वीकार कर लिया।
स्वामी जी बोले, अच्छा चलो गंगा घाट पर चलते हैं। प्राचीन काल से ही गंगा जी के पवित्र तट पर ऋषियों ने तपस्या की है, वहीं पर मेरी भी दीक्षा हुई थी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे अब एक विलक्षण मंत्र मिलने जा रहा है। स्वामी जी ने मुझसे त्रिवाचा भरवाई अर्थात वचन, अर्थात स्वामी जी ने मुझे इस वाक्य को 3 बार दोहराने के लिए कहा कि मैं इस मंत्र को कभी भूलूंगा नहीं, मैं वचन देता हूँ और इस मंत्र का पालन करूंगा। मेरी बात 3 बार सुनने के बाद स्वामी जी गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, तुम चाहे जहां कहीं भी रहो, मंत्र ये है कि तुम्हें प्रसन्न रहना है जीवन के किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन तुम्हें सदैव प्रसन्न रहना है, चाहे तुम स्वर्ग में रहो या नरक में। मेरे बेटे याद रखो, प्रसन्नता तुम्हारी अपनी निजी सृष्टि और संपत्ति है, यह केवल मानव प्रयास की अपेक्षा रखती है। आत्म प्रसन्नता की संतुष्टि तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी, कोई बाहरी इसको व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपको नहीं दे सकता है। मेरे इस मंत्र का तुम सदैव ध्यान रखना। स्वामी जी की बात सुनकर मैं प्रसन्न भी हुआ और खिन्न भी, क्योंकि मैं आशा लगाए बैठा था कि स्वामी जी मुझे कोई शब्द उच्चारण करने के लिए देंगे, जिसका उच्चारण पुनरुच्चारण अनुष्ठान करके मैं विलक्षण सिद्धियों को प्राप्त कर सकूंगा, किंतु वह संत महापुरुष बहुत ही व्यवहारिक और विलक्षण थे। मैंने इस मंत्र का अपने जीवन में जैसा उन्हें वचन दिया था सदैव ही प्रयोग किया और पालन किया, और वस्तुतः मैं सफल भी रहा और आज मैं बहुत आनंदित हूँ उस एक मंत्र की वजह से। प्रसन्नता बाह्य चीजों पे आधारित नहीं है, वह आपके मन की संपत्ति है। प्रसन्नता से बढ़कर कोई और मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है, प्रसन्नता से बढ़कर कोई उपचार भी नहीं है। यह सभी रोगों में शारीरिक मानसिक और कारण शरीर सभी रोगों के निदान करने में एकमात्र सक्षम है। धन्यवाद।